तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर, विजन ई लर्निंग की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, जो 10th स्टैंडर्ड साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सिखाने जा रहा है। क्या बच्चों, आप इंटरेस्टेड उस चैप्टर सीखने के लिए? यस और नो? यस। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स को डिटेल्स में समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं चैप्टर्स का नाम क्या है। कब बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट? या सही है बच्चों, क्योंकि देखो आज मेरे मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हो या टीवी स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, कहीं भी आप यदि ये देख रहे हो, इन केस यदि लाइट चली जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, क्या करोगे आप? सिंपल चीज है, हो जाएगा हमारा। अब इमेजिनेशन करो कि हमारी एक्चुअली डेली रूटीन लाइफ जो है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी के आसपास ही घूम रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, यदि आप 1 मिनट, या वैसे तो 1 मिनट तो नहीं बोल सकते, 1 घंटा भी बिजली के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते। दूसरी चीज, यदि आप साइंस लेने वाले हो, 11th 12th साइंस के अंदर, तो आपको ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द मैथमेटिक्स इन द 11th 12th साइंस, या ए ग्रुप जिसको बोलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सही में वापिस में हर बार क्यों बोल रहा हूँ, शायद कुछ उसकी भी एक रीजंस होगा इसलिए। तो क्या क्या सीखोगे इस चैप्टर्स के अंदर? जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है बच्चों, बताए आपको? ये जो आप इस ये फिगर देख रहे हो क्या है? कौन बोल सकता है? चलो, तो ये क्या है? क्या आप जो देख रहे हो, ये जो चीज है वो है क्या? वेरी गुड। क्या है वो? रजिस्टर है। रजिस्टर क्या, वो आप आगे सीखोगे चैप्टर्स के अंदर। बल्ब कैसे काम कर रहे है वो आप सीखोगे। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम कर सकती है वो आप सीखोगे। ओम्स लॉ सीखोगे, और सीखोगे कि अलग अलग मटेरियल्स की वजह से कैसे कैसे कोई भी डिवाइस बन सकते हैं। अगर मैं घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कौन से हिसाब से होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, डोमेस्टिक सर्किट, फ्यूज का कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, फ्यूज कैसे सर काम कर रहा है वो काफी। इलेक्ट्रिक बिल जो, वाट हमारा जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में लाइट बिल आता है उसमें जो यूनिट है वो क्या है वो आप सीखोगे। तो बहुत सी सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप इस चैप्टर्स के अंदर सीखने वाले हो। सो क्या हम इंटरेस्टेड हो? तो प्लीज एकदम शांति से इस वीडियो को देखते हैं। टॉपिक हमारा फर्स्ट, हम जाते इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या, किस हिसाब से काम कर रही होती है। ओके, अब देखो, जैसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, आपको जब मैंने बोला कि स्विच चालू करो, आपने स्विच चालू की तो क्या हुआ? फैन चालू हुआ। तो ऐसा तो क्या हुआ इस स्विच के बीच में और फैन के बीच में कन्वर्जन, कि यहां खाली एक थोड़ा सा बटन दबाने से पूरा फैन चालू हो गया? समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हुआ, करंट का फ्लो जनरेट हुआ। बोले कि सर वो कौन से मटेरियल में पास होता है? तो बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वो करंट हमेशा कंडक्टर में से ही पास होता है। तो बोले कि सर कंडक्टर क्या है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल में से में करंट का जो फ्लो है वो अलो करता है, यानी कि उसके अंदर से पास होने देता है, उस मटेरियल को हम बोलेंगे कंडक्टर। बोले सर एग्जाम्पल, तो बेटा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये सारे एग्जाम्पल। आयरन भी हो सकता है, समझ में आया? लेकिन आयरन का थोड़ी कंडक्टिविटी थोड़ी कम है, कॉपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट? कि आप कॉपर एल्यूमिनियम का वायर यूज कर सकते हैं। तो वो जो हम वायर यूज करते हैं सर्किट के अंदर, या फिर डिवाइस के अंदर, या फिर डिवाइस को चालू करने में, स्विच और डिवाइस के बीच में जो वायर है उसके अंदर से करंट का फ्लो पास होता है। तो करंट यानी कि क्या, जैसे पानी एक नदी है, ओके, नदी में से करंट का फ्लो, सॉरी वाटर का फ्लो पास हो रहा है, ये क्या है? रिवर है। तो रिवर में से क्या फ्लो हो रहा है? वाटर का। तो उसको बोलेंगे वाटर करंट, एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट। समझ में आ रहा है? ओके, कोई मटेरियल है तो उसमें से हीट फ्लो हो रहा है तो फ्लो हीट करंट बोलते हैं। तो वैसे यहां जब कंडक्टर के अंदर चार्जिस यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो रहा होता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? श्योर? इलेक्ट्रिक
करंट, क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। तो लोग सर इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होता है, तो बच्चों यहाँ आप ध्यान दो, ऐसा कुछ हो रहा है, पहले तो आपको मटेरियल के बारे में समझते हैं कि जिसके अंदर से करंट पास होता है, क्योंकि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट पास होता नहीं है। जिस एग्जाम्पल फॉर आप प्लास्टिक में से करंट पास हो सकता नहीं, मर जाओगे तो भी प्लास्टिक में से करंट पास कर पाओगे नहीं। तो उसका रीजन क्या है एक्चुअली, क्यों उस ऐसा होता है कि जनरली एक स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स के अंदर ही करंट का फ्लो होता है, तो ऐसा क्या उसके अंदर होता है, तो ये सभी के आंसर मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूं। लेकिन आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आई होप हो गया होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दो पहले कि एग्जाम्पल फॉर ये आपका कंडक्टर है, ये सब कुछ मैं मिटा देता हूं पहले। ओके, अब ये समझ लो आपका कंडक्टर है, जो वायर जिसमें से आपको करंट पास करना है। अब बोलोगे सर कौन सा लिया, तो एग्जाम्पल यदि हम बात कर तो एल्यूमिनियम ले ले। ओके, एल्यूमिनियम का वायर है। अब सर ऐसा तो क्या होता है एल्यूमिनियम के अंदर जो प्लास्टिक में नहीं होता है, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम यानी कि आई थिंक 13 आता है एटॉमिक नंबर उसका, तो उसके अंदर से उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा 2, 8, 3, यदि सभी को मालूम होगा तो ठीक है, यदि आपको ये मालूम नहीं तो आप वैसे भी थोड़े ही टाइम इस चैप्टर को सीखने वाले हो, केमिस्ट्री का सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर कौन सा है सब कुछ वैसे समझ में आना चाहिए। एल्यूमिनियम यानी कि आपको आ गया 9th स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, सो द 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, क्या होगा, न्यूक्लियस होता है उसके, एक ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन परे होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, आप समझ लो ना, और बाद में एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी जो ऑर्बिट है, क्योंकि जनरली आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितने खाली 3, और तो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत टफ होगा। ओके, इट इज वेरी हार्ड टू गेन द 5 इलेक्ट्रॉन, तो जनरली क्या करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा, क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉम्स था उसमें से बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर समझ में आ रहा है बहुत इजिली, अब हवा में भी या फिर घर के अंदर या फिर ऐसा रूम यानी कि ऐसा स्पेसिफिक 37 जैसा कुछ टेम्परेचर, 27 जैसा टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, यानी कि इस कंडक्टर में से पास होना स्टार्ट करते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पास होना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि सर हमने जब कंडक्टर को पकड़ते हैं हाथ में यानी कि कोई वायर को पकड़ते तब तो करंट नहीं लग रहा है, तो आप बोले सर यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्री हो रहा है, तो आप सही हो अपने हिसाब से। जब करंट एक कंडक्टर होता है, जैसे यहां आप देख सकते हो ये मेटल वायर है, इस मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस हिसाब से घूम रहे होते हैं। अब मैंने यहां को एक्सटर्नल यहां बैटरी को कनेक्ट किया नहीं है, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, इस हिसाब से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो ऊपर जा रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलरली नीचे भी आ रहे होते, यहाँ जा रहे 15 इलेक्ट्रॉन, तो समझ लो नीचे भी ऐसे इस साइड भी आ रहे हैं, तो रेंडमली आप देखने बैठो तो नेट करंट जो होगा फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम द फिक्स पाथ दैट इज जीरो, यानी कि रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता, यानी कि करंट एक्चुअली पास होता नहीं, चार्ज मूव होते, चार्ज इस हिसाब से मूव होते रहते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन अब देखो ये यहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, कुछ होगा नहीं, इससे जैसे ही आप बाहर बैटरी से कनेक्ट करोगे तो तुरंत क्या होगा फ्लो करंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, समझ लो मैंने यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है जितने भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है सेम चार्जेस रिपल्स इच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, एम राइट और रॉन्ग, सेम ऑपोजिट चार्जेस के बीच में यानी कि ऑपोजिट लोगों के बीच में क्या लगता है, लेडीज जेंट्स अट्रैक्शन,
समझ में आ रहा है। हाँ यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इट्स ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट, यहाँ चार्जेस में ऐसा होगा नहीं। ओके ओके, तो ध्यान रखना। तो यहाँ तो आप समझ सकते हो यहाँ कि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन लग रहा है, ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आने हो स्टार्ट हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली ऐसे 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 घूम रहा था, वो अब क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे आप समझ सकते हो कि मैंने एग्जाम्पल फोर में बात कर रहा हूं, पानी की पाइप है ये, पानी की पाइप, अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब जैसे मैं उसको यहां सेम हाइट पे यदि रखूंगा पानी की पाइप, तो क्या पानी बाहर निकलेगा, सिंपल चीज, या थोड़ा सा निकलेगा इस साइड, बाकी पानी यहां भरा रहेगा। लेकिन मैं समझ लो यहां उसको थोड़ी सी ऐसे हाइट करूंगा, तो सारा पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल, क्यों, करंट का फ्लो हुआ। तो क्या यहाँ पहले पानी का फ्लो नहीं हो रहा था, हाँ पानी का मोलिकुलर्स एक दूसरे को अंदर मूवमेंट करते रहते, लेकिन वो रेंडमली मूवमेंट कर रहे होते, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं, जिसकी वजह से पानी के अंदर वाटर का करंट जनरेट होता नहीं। ये सिमिलरली यहाँ जो करंट था वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, करंट जनरेट हो वाली, लेकिन मैंने जैसे यहाँ एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया, करंट का फ्लो ऐसे स्टार्ट होना चालू हो गया है। अब आप समझ लो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने जा रहा हूं आपको। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस हिसाब से जाना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन का इस हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्जेस होगा, वो ऐसा होगा ऐसे जाने। अब पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फाइन ही हुआ था, ये तो बाद की बात है, अभी रिसेंटली सर्च हुआ इलेक्ट्रॉन, जैसे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने जब फाइंड किया इलेक्ट्रॉन, तब सभी को पता चला कि एक्चुअली ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, प्रोटॉन की वजह से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं। पहले क्या मानते थे लोग, पहले कन्वेंशनली क्या मानते थे कि जो चार्ज है वो खाली एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप का चार्ज, यानी कि वो प्रोटॉन बोलते जिसको, और जो करंट है ना वो प्रोटॉन की वजह से ही पास हो रहे होते, यानी कि पूरा का पूरा उल्टा, हम समझ ले, समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा उल्टा। जैसे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन समझ लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले के जमाने में मानते थे करंट की डायरेक्शन जनरली ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव भाग है, पॉजिटिव भाग कौन सा, ये भाग, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि जो चार करंट है वो कुछ ऐसे पास हो रहा है, ऐसे मानते थे। क्या वो सही है, नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। लेकिन एक्चुअली करंट कैसे पास हो रहा है आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास हो रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा है, सारे ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, श्योर। तो इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से पास हो रहा है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में हो रहा है, लेकिन पहले जैसे मानते थे अभी भी हमें वही मानना है। अब बोलोगे सर क्यों, तो उसके लिए मेरे पास आंसर नहीं, क्यों, जस्ट बिकॉज पहले मानते थे अब मान रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जब भी हम करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर बताएंगे, तब ये बताएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस साइड का, तो पॉजिटिव टू ऐसे नेगेटिव, श्योर, समझ में आ रहा है पक्का। लेकिन करंट तो कहां से पास हो रहा था, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम इलेक्ट्रिक करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे लिख सकते कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, एग्जैक्टली डेफिनेशन बहुत ईजी है, ओके। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पूरी उल्टी होगी, इसलिए उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन थी वो पहले पॉजिटिव चार्जेस को डायरेक्शन वही मान ले रहे थे, अभी भी वही मान रहे हैं,
जिसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, जिसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन से क्या होती है, अपोज होती है, यानी कि उसका पूरा का पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक करंट, किसकी? कन्वेंशनल करंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये चैप्टर फिजिक्स है, फिजिक्स में हम कोई भी चीज देख नहीं सकते। इफ यू कैन नॉट इमेजिनेशन द सिचुएशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक एज वेल एज। आपको समझ में आएगा तभी जब आप उस चीज को अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन कर सकोगे। समझ में आ रहा है? ये चीज को आपको खुद फील करना होगा, अंदर इन्वॉल्वमेंट का 100% होना चाहिए, तभी इस टॉपिक को आप समझ पाओगे। इट इज द मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ओके? ध्यान में रखना ये चीज। अब हम जाते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। सर इलेक्ट्रिक करंट तो हमने वैसे समझ लिया, इलेक्ट्रिक करंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? बहुत सी सिंपल, बहुत इजी एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड पाथ, ऐसा क्लोज्ड पाथ। एग्जांपल फोर मैंने क्या लिया, एक वायर लिया, उसके साथ वो 20 रुपये वाली बैटरी नहीं आती, ब्लू कलर की, देखा होगा। स्विच लगानी हो तो लगा सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ मैंने एक एलईडी देखे ना, एलईडी, हाँ वेरी गुड, ऐसे टाइप के कुछ एलईडी आते हैं ना, वो लगा दी। जैसे ही स्विच चालू किया था एलईडी चालू हो गई, स्विच बंद किया था एलईडी बंद हो गई। अब यदि समझ लो, इन केस यदि मैं यहाँ स्विच लगाता नहीं, ओपन रखूंगा तो क्या होगा? स्विच, वो स्विच समझ लिया सर, तो यहाँ करंट का फ्लो क्या हुआ, बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये चालू नहीं रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। क्यों क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि करंट जो है वो यहाँ से ब्रेक हो चुका है। करंट को पास होने में एक क्लोज्ड पाथ चाहिए, क्लोज्ड यानी कि बंद, और पाथ यानी कि रास्ता। बंद रास्ता होगा तो करंट फ्लो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं, द क्लोज्ड पाथ अलोंग द विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ आप देख सकते हो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो रेड कलर के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ ब्लू कलर के अंदर है। बैटरी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो रेड कलर यानी कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे आप देख सकते हो, ये मेरे एरो के साथ अब ऐसे आ रहा है। सो यहाँ ये उसकी सेमेंटिक डायग्राम है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एमीटर क्या है वो आप अब नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी अभी सीखने वाले हो, ओके? तो बेसिक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के, आपको होमवर्क में क्या करना है, देखो आपको खुद इस टाइप की कुछ सर्किट बनानी है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है। ये चैप्टर यदि आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे सीखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ओके? सो द इलेक्ट्रिक करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन वो मैंने आगे बताई थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई जिसको हम बोलेंगे is equals to amount of electric charge flow in the unit time is called the electric current, या फिर rate of flow of electric charge, rate यानी कि पता है ना आपको time, very good, through any section of the conductor, conductor की कोई भी section में से fixed time के अंदर जितना charge pass हो रहा है, charge upon time जिसको हम क्या बोलेंगे, electric current, charge upon time, charge का I उसका generally उसका symbol है, charge का symbol है कूलम का Q, सॉरी चार्ज का सिंबल है Q और टाइम का T है। अब यूनिट की बात करें तो करंट I का यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम होता है 1 सेकंड। तो यदि आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताए, समझ में आ रहा है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि क्या, कि समझ लो एक सर्किट है, इसके अंदर से 500 कूलम चार्ज पास हुआ 50 सेकंड के अंदर। तो यदि मैं यहाँ डिवाइड करूं तो मुझे 10 एम्पियर करंट मिला। समझ आ रहा है? करंट इज वन टाइप ऑफ द स्पीड ऑफ द चार्जेस बोल सकते हैं, या वेरी गुड, स्पीड ऑफ द चार्जेस। समझ में आ रहा है ना पक्का? ओके, सो द चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो चार्ज अपॉन टाइम, ओके? सिंबल लिया और उसका यूनिट है ये। तो 1 एम्पियर की यदि डेफिनेशन बनानी है तो अपने हिसाब से बना सकते हो, श्योर। इफ 1 एम्पियर की यदि डेफिनेशन बनानी है, इफ 1 कूलम चार्ज पास इन द सर्किट इन 1 सेकंड,
देन द इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाए, द करंट पास्ड इन सर्किट इज 1 एम्पियर. व्हेन व्हेन अब डेफिनेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है. व्हेन 1 कूलम चार्ज पास्ड इन द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. ओके, 1 कूलम चार्ज पास्ड इन 1 सेकेंड, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर. श्योर आपको समझ में आया? पक्का कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है? समझ में आया है? अब मैं आपको थोड़ा सा करंट के अलग अलग स्मॉलर या बिगर यूनिट समझाने जा रहा हूं. तो थोड़ा सा अलग अलग यूनिट है, उसका एक स्मॉलर यूनिट पहले हम बात करते हैं. जनरली स्मॉलर यूनिट रहता है, बिगर यूनिट बहुत कम रहते हैं. ओके, तो स्मॉलर यूनिट में एक है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और एक है 1 माइक्रो एम्पियर. 1 माइक्रो, उसको हम बोलेंगे मिली, इसको हम बोलेंगे माइक्रो. 1 मिली एम्पियर यानी कि 10^-3 एम्पियर होगा, और 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10^-6 एम्पियर होगा. याद रख लो बच्चों, स्मॉलर यूनिट है उसके. अब करंट पास जब होता है सर्किट के अंदर से, करंट जब पास होता है तब पता कैसे चलेगा कि इतना करंट पास हुआ? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे एमीटर. क्या बोलेंगे? एमीटर. इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? एमीटर. श्योर? तो करंट की यदि आपको टॉपिक पूछे तो आपको ये लिखना होगा, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो, बाद में उसका फॉर्मूला लिखो, बाद में उसको सिंबोलिक फॉर्म में लिखो फॉर्मूला को, यूनिट को डिफाइन कर दो, स्मॉलर यूनिट के बारे में लिख दो, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बारे में लिख दो, एमीटर के बारे में, और उसकी डेफिनेशन लिख दो. तो आपका ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. जनरली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस. अभी मैंने वहां बात की थी, जैसे आपको पानी की पाइप के बारे में बताया था कि पानी की पाइप को यदि एक तरफ से हम ऊपर करोगे, यदि उसके अंदर पानी है, तो क्या होगा? एक्चुअली पूरा का पूरा पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ आप समझ सकते हो पानी भरा हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पानी जो है उसका डिफरेंट जितना ज्यादा होगा उतना इसी हिसाब से ये पंप चालू रहता है. ओके, जैसे यहाँ प्रेशर होगा तो ये पानी आगे आएगा, पानी आएगा तो ये पंप चालू होगा, ये पंप चालू होगा तो यहाँ से पानी में फ्लो होगा, वो फ्लो की वजह से ऐसे करंट का फ्लो चालू होता है. थोड़ा सा बेसिक डायग्राम से आपको ये समझाओ पोटेंशियल डिफरेंट के बारे में. तो समझ लो कि मेरे पास 2 बाल्टी भरी हुई है. ओके, ऐसे 2 कंटेनर है पानी के. अब यहां ए के अंदर मैंने ऐसे पानी भर दिया पूरा. अब यहां मैं बंद कर देता हूं, यहाँ इतना पानी, क्या पानी का फ्लो जाएगा? नहीं, पहले तो रास्ता बंद है, रास्ता पहले हम करते हैं क्लियर. अब क्या होगा? समझ लो यहाँ 50 लीटर पानी है और यहाँ 10-10 लीटर पानी, तो क्या होगा? यहाँ से कितना पानी आ जाएगा? तो बोलोगे सर 40? नहीं, 40 तो नहीं होगा. कितना पानी जाएगा? तो समझ लो हम बात करते हैं, पहले यहाँ से 5 लीटर गया तो यहाँ हुआ 15 और यहाँ हुआ 45, और 5 गया या 20 हुआ 40, और 5 गया या 25 हुआ या 35, और 5 गया या 30 हुआ या 30. अब बोलोगे तो सर पानी तो अब इक्वल लेवल पे आ गया, यहाँ जो है पानी वो हो जाएगा बंद. अब पानी का फ्लो स्टार्ट बहाना क्या हो जाएगा? पानी जो फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा. कब तक हुआ? जब तक दोनों का लेवल सेम हुआ तब तक. तो सिमिलरली बेटा यहाँ ऐसा ही है कि करंट तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट ना हो. पोटेंशियल, अब बोले सर पोटेंशियल डिफरेंट क्या है? तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो. तो पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि एक टाइप का धक्का, एक टाइप का फोर्स जो चार्ज को लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह. यहाँ पानी को लग रहा था पानी की हाइट की वजह से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, सिमिलरली यहाँ चार्ज को लग रहा है. जैसे एग्जाम्पल फॉर, यदि आपने
शायद तो किया होगा, यदि नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई कर लेना। तो ऐसे केबल लो दोनों साइड, जो चार्जिंग हम करते हैं दोनों साइड, दो मोबाइल फोन जुड़ सके, दोनों सेम टाइप के जो चार्जर केबल होता है, जैसे दो मोबाइल सी टाइप के केबल दोनों साइड सी टाइप आ रहा है, ऐसे आपने लगा दिया, दोनों मोबाइल को कनेक्ट कर लोगे। अब देखना बेटा, देखो देखो यहाँ ध्यान रखो, होगा क्या, ये आप ऑब्जर्व करोगे। मैंने दो मोबाइल लिया, ए बी और ए और बी दो मोबाइल लिया। अब दोनों मोबाइल को यहाँ मैं एक फिक्स वायर से या केबल से कनेक्ट कर रहा हूं। यहाँ बैटरी मेरी 90% थी, यहाँ मेरी 50% थी। अब चेक कर लेना, अब दोनों केबल, यानी केबल एक फिक्स, ऐसा केबल मिलना थोड़ा टफ है, जनरली बहुत कम होते मार्केट, लेकिन आप ट्राई कर लें यदि किसी के पास हो तो। आप चेक करोगे ये बैटरी डाउन यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगी, वो चार्ज हो जाएगी, तब कब तक, जब तक दोनों के बीच में सेम ना। पावर बैंक क्या है बेटा, वही तो चीज है पावर बैंक क्या। यहाँ हमने यहाँ दो मोबाइल लिया समझ लो, ये मोबाइल नहीं होता, सॉरी ये मोबाइल होता समझ लो, और ये पावर बैंक होती तो क्या होता है, वो तो चीज हो रही कि पावर बैंक के अंदर ज्यादा फ्लो था, ज्यादा वोल्टेज था जिससे मैंने कनेक्ट किया तो। लेकिन पावर बैंक तो सभी के कॉन्सेप्ट में होता ही, लेकिन ये दो मोबाइल मोबाइल के बीच में कनेक्शन ऐसे, यानी कि आप कोई एक फिक्स मोबाइल को एज ए चार्जर या पावर बैंक के फॉर्म में यूज कर सकते हो, यदि एक ऐसा बस 10-20-25% रुपए का केबल ले लो तो। समझ में आ रहा है, श्योर? तो बस वही चीज मैं यहाँ आपको समझाने चाह रहा हूँ। तो पोटेंशियल करंट का फ्लो तब होगा जब दो बैटरी या फिर दो वायर के बीच में एक फिक्स टाइप का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। बोलो कि सर अब ये सब कुछ छोड़ो और डायरेक्टली पोटेंशियल पे कंसंट्रेट करते, थोड़ी सी डेफिनेशन वैसे तो टफ है समझाना, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि बेस्ट समझा सकूं मैं आपको। अब बोलो कि सर ये जो चीज है ना, वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे थोड़ी हाई लेवल की चीज है जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि पोटेंशियल के डेफिनेशन में आप ये सब कुछ नहीं बता समझ, हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सॉरी बता सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट लेकिन डिटेल्स में जब लिखना है एक्चुअली थियरिकल या डिफाइंड लिखनी है तो ये सब कुछ नहीं समझा सकते। तो क्या समझाना होगा, तो समझ लो कि एक यहाँ इंफिनिटी यानी कि बहुत दूर है, ऐसे मेरे पास ये स्क्रीन छोटी है इसलिए आप समझ सकते हो बहुत दूर है, एक यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट ए बोल सकते, यहाँ इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है ये, राइट, इन्फिनिटी को एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, अब उस चार्ज को मुझे इन्फिनिटी पे, ये एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब इस चार्ज को मुझे यहां से यहां ले जाना है, तो वैसे डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं, बोलोगे सर अकड़ वकड़ में वो फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट ए, तो पॉसिबल ऐसी चीज नहीं है, ऐसा होगा नहीं, वी नीड टू डू अ एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज की इनफिनिटी से ए पॉइंट पे ले जाना। दैट मीन्स आपको क्या बता रहा हूं कि मुझे इस चार्ज को यहां से ये चार्ज को समझ लो, ये चार्ज है सॉरी, यहां से यहां ये चार्जिस है समझ लो, तो इस चार्जिस को यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किसको ले जाने के लिए, तो बोलो सर चार्ज को ले जाने के लिए क्या किया मैंने, वर्क किया, तो ये जो वर्क है चार्ज को ले जाने के लिए, इसको तो बोलते हैं पोटेंशियल, इसको तो बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी बोलो बच्चों, तो यहाँ इन्फिनिटी से चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से ये पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल, क्या बोलेंगे उसको हम पोटेंशियल। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटिव पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसको इस पॉइंट यानी कि इन्फिनिटिव से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। एग्जैक्ट डेफिनेशन में बोलता हूँ आपको, अब वर्क रिक्वायर्ड, अब फिगर में ध्यान देना, अब वर्क रिक्वायर्ड, अब ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोलो कि सर यूनिट क्यों, क्यों एक ही चार्ज है, अब वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
एक ही साथ में बोल रहा हूं, ध्यान रखना आप, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। है इजी? श्योर? ओके, सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने यहां लिखी है, आप स्क्रीन को पॉज करके ये डेफिनेशन अपने नोटबुक के अंदर डाल सकते हो। यहाँ एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंट की। देखो बेटा, पोटेंशियल एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंट भी एक ही है, बस खाली इतना चेंजेस आएगा, ये जो चार्जेस इन्फिनिटिव पे पड़ा था ना, इन्फिनिटिव पे, तो समझ लो यहाँ कोई एक फिक्स एरिया है, इतनी ही जगह, छोटी सी जगह है, इसमें कोई एक पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो पॉइंट से ए बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क चाहिए, यहाँ उसकी डेफिनेशन हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंट की, वर्क रिक्वायर्ड to bring a charge from one point to given point, one point to another point is called the potential difference. Okay, exact definition यहाँ मैंने लिखी है, आप देख लो। चलो फटाफट पॉज करके वीडियो उसको अपनी नोटबुक के अंदर डाल दो। अब देखो कि यहाँ खाली दो ही वर्ड का चेंजेस होगा, फ्रॉम इन्फिनिटिव गवन, बाकी डे सेम टू सेम, डिट टू डिट, ये टॉपिक और ये डेफिनेशन सेम है। एक एक्स्ट्रा वन वर्ल्ड की डेफिनेशन, वो पहले आप बाद में देखो, पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो। चलो अब यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंट तो समझ में आ गया कि भाई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंट सेम ही हो, आपको यहाँ पोटेंशियल यदि पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा वर्क, सॉरी डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, ओके, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए। पोटेंशियल का सिंबल है वी, पोटेंशियल का सिंबल है वी, वर्क का W और चार्ज का कूलम, ये उसका फॉर्मूला होगा। अब यूनिट जैसे आपने याद हो तो 1 एम्पियर के डेफिनेशन में बोला था, बस वही है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। यहाँ यूनिट के फॉर्म में यदि मैं लिख रहा हूं 1 वोल्ट, तो 1 वर्क, वर्क का यूनिट क्या है 1 जूल, चार्ज का 1 कूलम, तो डेफिनेशन बनानी है आपको, ये जो पोटेंशियल डिफरेंट की डेफिनेशन थी ना, ओके, वही डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ वर्क डन की जगह 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू 1 कूलम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन 1 वोल्ट। बोले सर कैसे हुआ, तो यहां मैं आपको ओरल बोलता हूं, आप ध्यान दो। पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द टू पॉइंट, ये दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट V इज सेड टू बी 1 वोल्ट, इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ इफ 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव ऑफ 1 कूलम चार्ज लिख सकते हैं, टू ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज from one point to another point. फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट वी 1 वोल्ट तब कहलाएगा जब 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड होगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जाने के लिए। जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जाने के लिए यदि 1 कूलम चार्ज है तो 1 जूल वर्क यदि रिक्वायर्ड होता है तो उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंट और उसका सिंबल और उसका यूनिट, यूनिट उसका वोल्ट है, यूनिट क्या है उसका वोल्ट या जूल पर कूलम भी आप समझ सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट के डेफिनेशंस। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये वैसे तो आपको याद रखना नहीं है, लेकिन फिर भी या सॉरी आपको इतना समझाना नहीं है मुझे, आपको जस्ट खाली याद रख लेना है क्या है वो। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल का यहाँ सिंबल दिया हुआ है, ऐसा कुछ सिंबल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ऐसा ही आप सेल देख सकते हो, ये सेल है और ये है बैटरी। अब सर बैटरी और सेल में क्या डिफरेंट है, तो बैटरी जो है नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते, ओके, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल तो सेल बोलते हो, ज्यादा सेल है तो उसको बैटरी बोलते हैं। ओके, यहाँ देखो एक दो और तीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अदरवाइज बैटरी। स्विच है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी स्विच का सिंबल बनाते, दैट इज आल्सो राइट। ओके,
ज्वाइंट वायर, जब दो वायर एक दूसरे से ज्वाइंटेड होते हैं, और यदि यहाँ ओवर ब्रिज की तरह ऊपर से जा रहे होते हैं तो उसको ऐसे बताते हैं। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब देखा ही होगा आपने, बल्ब का काम क्या है वो भी बताए, रेजिस्टेंस क्या है वो आपको नेक्स्ट टाइम टॉपिक के अंदर समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले खाली उसका सिंबल याद रख लो, ऐसा कुछ होता है रेजिस्टेंस, ऐसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। देखो रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू होती है ना फिक्स होते हैं, 5 ओम तो 5 ओम बस, वो चेंजेबल नहीं होती। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं, दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, यदि छोटी सर्किट होते ये होता है ये भी हो सकता है, दोनों सेम ही है। ओके, आप लैब के अंदर जाओगे, लैब के अंदर इस टाइप का रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब कोई फिक्स सर्किट होगी, कोई मटेरियल होगा, कोई डिवाइस होगा, तो उसके अंदर इस टाइप का होता है, ये लैब में देखने को मिल रहा है और ये आपको डिवाइस में देखने को मिलेगा, दोनों ही वेरिएबल रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, उसका कुछ ऐसा सिंबल आता है, ऐसे एरो कर देना है। ओके, अब एमीटर, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर नहीं बोल सकते उसको हम, मेजर हाँ मेजर ही बोलेंगे, एक गैल्वेनोमीटर आता है, वैसे यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है ना इलेक्ट्रिक करंट को खाली डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट यानी कि चार्जर के अंदर ऐसे खबर लाइट होती है रेड कलर की, बस वो क्या हुआ कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, वो पता चला कि चार्जर चालू है बस। ओके, तो इट इज वो डिटेक्ट, इट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, लेकिन एमीटर क्या कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है, जैसे वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंट को मेजरमेंट करेगा, पोटेंशियल को मेजर करेगा, कौन, वोल्ट मीटर। ओके, जनरली क्या होता है, ऐसे अलग अलग डिवाइस पहले आते थे पहले के जमाने में, लेकिन अभी ये जो है ना इस टाइप का डिवाइस आता है जिसको मल्टीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखा होगा आपने। ओके, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में क्या होता है, देखो आप थोड़ा सा आप जूम करोगे तो यहाँ देखोगे यहाँ एम्पियर, यानी कि जब एम्पियर यानी कि ये ए मीटर के फॉर्म में काम कर, जब करंट फ्लो करना है तो इसको यहाँ डाल दो ऐसे। ओके, दूसरा यहाँ एक वोल्टेज होगा वी, और ये वोल्ट मीटर है, जब वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तो ये इसको यहाँ डाल देना, तो अब यहाँ मल्टीमीटर मल्टीपर्पज यूज होता है। ओके, करंट को मेजर करने के लिए और वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो द